छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव जिले के प्रवास पर हैं। यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्राम सेमरा देहान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह के जन्मस्थली में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस दौरान 93,61,75,000 रुपए के 110 विकास कार्यो के भूमि पूजन एवं लोकार्पण कर विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को चेक का वितरण किया। इसके साथ ही ग्राम डुमरी कला में आयोजित किसान मजदूर सम्मेलन को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबोधित किया। मूर्ति अनावरण और किसान मजदूर सम्मेलन में उपस्थित आदरणीय क्षेत्रीय विधायक भाई भुवनेश्वर बघेल जी, हमारे वरिष्ठ साथी भाई दलेश्वर साहू जी, विधायक साथी भाई इंद्र शाह मंडावी जी, विधायक श्रीमती शन्नी साहू जी, श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा जी, सहकारी बैंक के अध्यक्ष भाई नवाज जी, महापौर हेमा देशमुख जी, हर्षिता बघेल जी, हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय नीलकांत सिंह जी, विश्वजीत सिंह जी, आशीष सिंह जी, बड़ी संख्या में परिवार के सब बहु बेटी मन भी आया है, लड़का मन भी आया है, और मंडल सादर अभिवादन करते हुए मंचस्थ सब अतिथि मन उपस्थित सब वरिष्ठ साथी मन, दीदी बहनी मन, नौजवान साथी मन, किसान भाई मन, मजदूर संगवारी मन और हमारे पार्टी के सब पदाधिकारी मन, कार्यकर्ता मन और पत्रकार साथी मन और अधिकारी कर्मचारी मन, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी लग हमन मिले नहीं हैं, लेकिन उनका लड़का ठाकुर हरि सिंह से अक्सर मुलाकात हो, खासकर जब छत्तीसगढ़ राज के आंदोलन हुई, उनका घर में आदरणीय चंदूलाल चंद्राकर, वासुदेव चंद्राकर सहित बहुत नेता मन संग उनका घर में बैठन, लंबा लंबा बैठक चले, योजना बने आंदोलन के कौन कौन ला शामिल करना है तेकर बारे में चर्चा करा, और आशीष भाई बढ़िया से हमारे लग भजिया चाय लगातार हमारे पानी चाय पानी की व्यवस्था करे, हम बैठे रहा। तब से हरि सिंह जी के सानिध्य में हम आए और ठाकुर मंत्र से तलवार चला थे, लेकिन प्यारे लाल सिंह जी लेखनी भी देने रही से होकर लड़का भी हरि सिंह ठाकुर जी बहुत लिखे पढ़े में निरंतर होकर छत्तीसगढ़ राज के बिगुल फुकेरी से वो राजनांदगांव का धरती है, और यहां से अगर शुरुआत हुई 1967 से तब 2000 में जाके छत्तीसगढ़ राज बने। छत्तीसगढ़ बने के बाद भी लोगों ने नहीं लगा रही कि हमारे छत्तीसगढ़िया मन के राज आए, छत्तीसगढ़ के सियान मन जैसे सपना देख रही से वो सपना साकार नहीं हुआ थे, न किसान मन के हालत, न मजदूर के हालत में सुधार होते, न अनुसूचित जाति के, जनजाति के, महिला मन के, नौजवान मन के कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं आया था। सबसे ज्यादा यदि किसान आत्महत्या करे तो राजनांदगांव जिला में करे, दलेश्वर भाई भोला भाई अमन खूब आंदोलन करें, अमन घेरे लगातार, और ये जिला 15 साल ले मुख्यमंत्री रहे, सिंचाई के साधन नहीं, बिजली नहीं, और वो स्थिति में लगातार किसान कर्ज में डूबत रही से, और कर्ज में डूबे कारण से कतेक किसान मन आत्महत्या करे। किसान मन में कि जब सरकारे कर पैसा नहीं आत तो कहां दी, लेकिन हम 4 किस्त बांधे और पहली किस्त 1500 करोड़ रुपया किसान मन के खाता में डाले, कोनो विश्वास नहीं कर रही से। देश के दूसरा मुख्यमंत्री मन पूछे अरे यहां तनख्वाह बांटे पर पैसा नहीं भूपेश, और ते किसान मन लो 1500 करोड़ रुपया बांट देश, लेकिन छत्तीसगढ़ महतारी की कृपा, ये अन्नदाता मन के विश्वास, जनाब के विश्वास टूटन नहीं दें, विपरीत परिस्थिति में भी किसान के साथ खड़े रहे ना, आप लोग पैसा दे। अब जब चुनाव आ गए तो हम दें, मोर 10 ठक चिट्ठी है,
मैं दिखा दूं कि गांव हमारे चावर खरीद ले, नहीं खरीदन का है। आज जब चुनाव आ गए, किसान कर जा नहीं सका है, तब कहा थे कि एक चावर के पैसा ला हम दे। अरे 15 लाख लग देश नहीं है भैया, 10 साल हो गए, एक छदाम तो दे 15 पैसा दे देते, ओला तो नहीं देते हैं। 2 करोड़ नौकरी ढूंढ रहे तेला नहीं दे, स्विस बैंक से पैसा लाऊंगे रे तेला तो नहीं लाए, महंगाई कम करूं तेल नहीं करे। और आज जब छत्तीसगढ़ में किसान के धान के बात हो तो किसान का रोड मांगे वाले जाते छले काम कर। छत्तीसगढ़ में अभी ये साल जन धान बेचे 3 पड़ी 2640 रुपया, अभी 21 मई के दे, आज 10 अगस्त 20 अगस्त के पे फिर तुम्हारे खाता में दूसरा किस्त आई। यू भवन भर जमीन पैसा मांगे तो करो भर से इमरा देहान में 10 लाख रुपए घोषणा कराता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। दो स्वामित्व दिलाने की शासन की जो महती मंशा है उसको ध्यान में रखते हुए प्रतीकात्मक तौर पर कुछ किसानों को B1 खसरा वितरण किए जाना है माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों से। मैं नाम पुकार रहा हूं, कृपया शीघ्रता से यहां पर आएंगे श्री